गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई स्टार्टेड टू टीच यू सिविक्स लेसन नंबर 1, डेमोक्रेसी. ओके स्टूडेंट, इट वॉज पार्ट 1 एंड इन पार्ट 1 आई हैव कवर्ड द हेडिंग्स ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड other forms of government and different forms of government. We have finished absolute monarchy, constitutional monarchy, dictatorship, military dictatorship, and the last was communist government. Here only I dropped the chapter. Today I am going to start from the next heading, present scenario. So all of you open page number 198, take pencils in your hand and be with me. Now let's start. More than half of the independent countries in the world today have a democratic form of government. अगर हम आज के टाइम में देखें तो जो आधे स्वतंत्र देश हैं वहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र है. However, the switch from one form of government to a democracy has not been easy. हालांकि ये आसान नहीं है कि हमारे यहाँ किसी और तरह का हमारे यहाँ मोनार्ची है, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और हम उसको टर्न करके सीधे डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दें. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अर्लियर देयर वॉज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड डिसीजन मेकिंग. पहले क्या होता था, कोई भी पब्लिक अफेयर्स है या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो वहाँ पे जो पीपल थे, जो लोग थे, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, खुद उसमें भाग लेते थे. दिस वॉज पॉसिबल एज द पॉपुलेशन एंड यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर स्मॉल. ये कब संभव था? ये तब संभव था जब जनसंख्या जो है वो कम थी और जो यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो प्रशासन का जो यूनिट्स था वो छोटा था. इन द प्रेजेंट डे, अगर हम आज के टाइम में देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट कॉमन. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो पॉसिबल नहीं है. इसका रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं एंड इज़ फॉलोड इन वेरी फ्यू प्लेसेस और बहुत कम जगह पे ये फॉलो हो रहा है. फॉर एग्जांपल, ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम जगह पे फॉलो हो रहा है. फॉर एग्जांपल, प्रोविंसेस ऑफ स्विट्जरलैंड, जैसे कि स्विट्जरलैंड प्रोविंसेस में मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज नाउ हैव रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज. जो बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट है, लोग वहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो उसमें पार्टिसिपेट करता है. बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सारे लोग उसमें भाग नहीं ले सकते एक साथ. इन दीज कंट्रीज पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ पे लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं. दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? वो अपने सारे पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है. आइए, मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज देखते हैं कि हमारा जो गणतंत्र है उसका जो मेन पावर क्या है, थ्रस्ट क्या है, उसका ताकत क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान. एंड वी ऑल आर नोइंग स्टूडेंट्स कि हमारे देश में अगर सर्वोच्च कुछ है तो वो क्या है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है. वन फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ डेमोक्रेसी फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू एक्ट इरेशनली. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को अदर गवर्नमेंट से अलग करती है? वो क्या है? वो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोई भी जो डिसीजन है वो फ्री होके बिना सोचे समझे, बिना विचारे नहीं ले सकती है. उसको सोचना होता है कि ये हमारे पॉपुलेशन के वेलफेयर में ही हो. द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स. जो सरकार है, गवर्नमेंट को भी और नागरिक को भी कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है. दीज रूल्स एंड लॉज आर रिटन डाउन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. ये सारे कानून जो है ये सब लिखे हुए हैं, संकलित हैं, संग्रहित हैं और उसी के द्वारा जो हमारा देश है वो गवर्न, शासित होता है. द कॉम्पिलेशन ऑफ रिटन रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. यही जो लिखे हुए रूल्स हैं, जो रूल्स का जो ये संकलन है, कलेक्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीवन इन द कंट्री. हम अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. जो हमारे देश में, जो हमारे, जैसे कि हमारा एक देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे संविधान का बहुत ही महत्व है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैनॉट मिसयूज इट्स पावर.
जो क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो हमारे देश के नागरिकों को क्या देता है, एक अधिकार देता है जिससे कि उसका जो सरकार है उसका वो शोषण ना कर सके, उसके पावर को छीन ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। देखते हैं कि आदमी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु आर गवर्न। क्या होता है डेमोक्रेसी में, जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु आर गवर्न, सबकी सहमति, सारे लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेनी पीपल हु आर एंगेज्ड इन न्यूमरस डिस्कशंस एंड मीटिंग। इसमें जो है बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत से डिस्कशंस को, मीटिंग्स में इंगेज होते हैं। सिंस द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लोगों के पास ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अपने बात की, अपने एक्सप्रेशंस की, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें एंड हैव अ से इन इट। डेमोक्रेसी ब्रिंग्स फोर्थ बेटर डिसीजन। अपने अपने भाव की, अपनी बात की अभिव्यक्ति करके एक ऐसा निर्णय लें जो बहुत बेटर हो और सबके हित में हो। हेंस इन अ डेमोक्रेसी अ डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। सपोज अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है पब्लिक वेलफेयर में, तो वो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी भी सहमति जरूरी होती है जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो उनके अगेंस्ट हो जाए, इससे उनको प्रॉब्लम हो। तो कोई भी, हालांकि इस तरह का डिसीजन मेकिंग नहीं होता है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, दो इट माइट टेक सम टाइम टू अराइव एट अ डिसीजन। इसीलिए किसी भी निर्णय में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम भी लग जाता है, विच इज़ एक्सेप्टेबल टू द मेजोरिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो अधिकतर लोगों को, उनके लिए स्वीकार्य है कि नहीं। द चांसेस ऑफ मेकिंग ई रिस्पॉन्सिबल डिसीजन आ रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाए जो लोगों के हित में ना हो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। यही है प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये है कि समानता। इट इम्प्लाइज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये क्या करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे गणतंत्र देश में सबके लिए समान स्तर हो और समान अवसर प्राप्त हो, किसी भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ टू एनी सिटीजन। जो भारतीय संविधान है वो ये कहता है कि सरकार के सामने कोई भी जो नागरिक है वो क्या है, वो बराबर है किसी भी नियम कानून के तहत, कोई भी नियम कानून के लिए हर आदमी बराबर है। दिस मीन्स दैट द लॉ शैल अप्लाई इक्वल टू ऑल इन द सेम मैनर। मतलब कोई भी कानून जो है वो सबके ऊपर बराबर तरह से लगाया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस एंड रिलीजन। उनके जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इक्वल होंगे। इन अ डेमोक्रेसी इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर पार्टी कम्स टू पावर और हु एवर हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स हैव टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी जो है हमारे कंट्री पे राज कर रही हो, कोई भी उसका हेड हो, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो हमारे संविधान में लिखे गए कानून के ही आधार पे होने चाहिए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक लॉज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आधारभूत कानून कहते हैं। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जो हमारे यहाँ समानता का जो ये बात की जाती है वो रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ पे जो है आधारित है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ का आप देखिए मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं, दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री, कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अ फार्मर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लगाए किसान तक, इज बाउंडेड बाई द सेम लॉज। वो समान नियमों से बंधा हुआ है, समान कानून से बंधा है, एंड गिवन द सेम ट्रीटमेंट, और दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, एक तरह का ही व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन डाउन साइड, द नेक्स्ट हेडिंग एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेज। आइए देखते हैं कि अब क्या उनको, क्या अवसर, क्या सुविधाएं जो है डिफरेंस है उनके बारे में देखते हैं। डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेज एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। अगर हम देखें तो हर समाज में विभिन्नता भी होती है और विविधता भी होती है। डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेज। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज देयर आर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोइंग अ वैरायटी ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अगर हम देखें तो हमारा देश क्या है, वो विविधता का देश है, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों में लोग, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और उनके जो किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है वो भी अलग अलग है। इसीलिए जो हमारा कंट्री है वो क्या है, डाइवर्सिटी का कंट्री है। एट टाइम्स डाइवर्सिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी रिजॉल्व बाई डेवलपिंग अ टॉलरेंट एटीट्यूड। क्या होता है, बहुत बार इसी डाइवर्सिटी की वजह से जो है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर हम सहनशील अभिव्यक्ति को प्रदर्शन करें, अगर हम अपनी सहनशीलता को शो करें,
तो ये जो है रिजॉल्व जो है इसको दोबारा सॉल्व भी कर दिया जाता है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एंड शोज अ वे टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. क्या होता है, सबको समान अधिकार प्राप्त है इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. हाँ ठीक है, समान अधिकार प्राप्त होने पर बेटा खुद ही कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. डेमोक्रेसी जो हमारा प्रजातंत्र है वो किस पे आधारित है, समानता पे, समानता के सिद्धांत पे आधारित है. इट स्ट्राइव्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अलोंग विद द पॉलिटिकल इक्वालिटी. इसका प्रयास ये रहता है, हमारी डेमोक्रेसी का ये कोशिश रहती है कि सबको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त हो. इट रिकॉग्नाइजेज दैट द पुअर एंड द अनएजुकेटेड डिजर्व द सेम स्कोप, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड. इसका हम लोग की कोशिश रहती है, जो प्रजातंत्र है इसमें कोशिश रहती है कि जो गरीब हैं या अमीर लोग हैं उनको हर चीज़ के लिए समान अवसर प्राप्त हों. ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो हमारा सर्विसेज हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर एजुकेशन हो, सबके लिए समान अवसर प्राप्त हो. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय गिविंग स्पेशल बेनिफिट्स टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल टू इनहेंस ह्यूमन डिग्निटी. इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, गरीबी को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर रही है, जो है स्पेशल उनको वो कर रही है, उनको जो है उनकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए, उनके गौरव को बनाए रखने के लिए उनको बहुत तरीके से उनकी मदद कर रही है. दस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस विच वर्क्स फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. इसका मतलब जो डेमोक्रेसी एक इस तरह का शासन है जो व्यक्ति का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, उसका जो है सार्वभौमिक विकास कर रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी. अब देखते हैं जो असमान मतलब समस्या किस चीज की है, इनइक्वालिटी की समस्या है. डिस्पाइट द इक्वल स्टेटस ग्रांटेड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी इंडियन, हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको समान अधिकार देता है. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी, फिर भी जो हमारा समाज है उसमें अनेक तरह की असमानताएं भी हैं. द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज सोसाइटी इज ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, और यह असमानता किसके कारण है, कास्ट सिस्टम के कारण है. विच क्लासीफाइज पीपल एज हाई कास्ट एंड लो कास्ट ऑन द सोशल लैडर. जैसे हम देखते हैं ना बेटा, हमारे समाज में कुछ हाई कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको जो है उनके काम के आधार पर अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है. द लोअर कास्ट हैव फेस्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग निम्न जाति के हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है. एनी कॉन्टेक्ट विद द अनटचेबल्स वॉज कंसिडर्ड टू बी पॉल्यूटिंग फॉर द अपर कास्ट. ये कहा जाता है कि अगर वो सपोज वो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट को टच कर दें तो उनको पॉल्यूट कर देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं. टुडे दे कॉल देमसेल्व्स दलित, क्या कहते हैं जो लो कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के हैं उनको दलित कहते हैं. विच मीन्स ब्रोकेन. इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज टू हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड बाय द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उसके साथ बहुत खराब व्यवहार होता है, उनको लोग मतलब अछूत मानते हैं. इन एडिशन देर आर इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन वेल्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड प्रोफेशन. ये केवल अगर हम कास्ट को हटा दें तो इसके अलावा भी हमारे जो समाज में आर्थिक, शैक्षिक और जो है लिंग के आधार पे, उनके काम के आधार पे भी बहुत सी असमानता है.